नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नसों से जुड़ी अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो उसे सही करने के लिए एक ऐसे पावरफुल टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग करने से आपको नसों संबंधी अगर कोई भी समस्या हो रही है तो सही हो जाएगी, और उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे, कैसे प्रयोग करना है, कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है, उसका प्राइस क्या है और उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो सबके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आप पीछे और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, बात करते हैं हम प्री गाबा एम SR75 टेबलेट के बारे में। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, चाहे वह नसों में झंझनाहट हो रही है या नसों में दर्द हो रहा है, तो उतने समय यह डॉक्टर टेबलेट खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, यह दवा जो है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जब नसों संबंधी आपको कोई भी समस्या होती है तो उतने समय डॉक्टर इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह प्रीगाबा एम SR75 जो टेबलेट है, यह टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो 15 टेबलेट का एक स्टिक आता है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर इसे ₹335 का यह 15 टेबलेट लेकर के आप नसों से संबंधी कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो उतने समय यह टेबलेट जो है तो बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इसमें दो तरह का इंग्रेडिएंट मिलाकर के टेबलेट तैयार किया गया है, जिसमें प्री गाबालिन हुआ वह 75 mg मिलाया गया है, वहीं मिथाइल कोबालामिन जो हुआ वह 1500 mcg मिलाकर के टेबलेट तैयार किया गया है। अगर नसों से जुड़ी अगर कोई भी समस्या हो रही है तो डॉक्टर सबसे ज्यादा इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस टेबलेट को आप लेना शुरू करेंगे, एक ही टेबलेट लेंगे, तभी से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और नसों का जो दर्द रहेगा वह सही होना शुरू हो जाएगा। अगर नसों से संबंधी अगर कोई भी समस्या आपको हो रही है तो उसमें कुछ लक्षण या सिम्टम आपको नजर आएंगे। जैसे अगर आप चलते फिरते हैं या कोई काम करते हैं तो उससे आपको दिक्कत होने लगेगा, आपके मांसपेशियों में जकड़न लगने लगेगा या दर्द करने लगेगा, या आपके शरीर में या पैरों में सुन्नपन लगेगा, झंझनाहट लगेगा, पैरों के तलवे में जलन लगेगा, या आपके हाथ या पैरों की नसों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान, आलस, कमजोरी ये सब बना रहेगा। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो पूरी नसें रहती हैं उसमें भी आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा आलस आने लगेगा, कोई भी काम करने का आपका मन नहीं करेगा। तो इस तरह के कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे आपके शरीर में। चलिए अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं कि इस किस किस समस्या में इस टेबलेट का हमें प्रयोग करना चाहिए या डॉक्टर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, या आपकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं तो उतने समय भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है, या आपके नसों में दर्द हो रहा है या झंझनाहट हो रहा है या सुन्नपन हो रहा है तो उतने समय भी डॉक्टर इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। आप डॉक्टर से बताते हैं कि हमारे पैर में सुन्नपन हो रहा है या उसमें जकड़न महसूस हो रहा है या झंझनाहट हो रही है या पैरों के तलवे में जलन हो रहा है तो उतने समय डॉक्टर आपको यही दवा खाने की सलाह देते हैं। या आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो उतने समय यह टेबलेट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है नसों से संबंधी। दवा जो है थकान, आलस, कमजोरी सब भी दूर करने का काम करता है। अगर आपको भूख नहीं लगेगा तो यह भी भूख बढ़ाने का भी काम करेगा यह दवा जो है। चलिए अब इस टेबलेट के खाने के तरीके के बारे में जान लेते हैं कि टेबलेट को हमें प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपको नसों संबंधी कोई भी समस्या हो रही है तो इस टेबलेट को आप 24 घंटे में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस टेबलेट को आप शाम को 8 बजे ले रहे हैं या कभी भी आप जिस टाइम पे ले रहे हैं तो अगले दिन आपको उसी टाइम अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यह टेबलेट देगा। ध्यान रहे कि इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद लें और एडल्ट आप हैं तभी इस टेबलेट का प्रयोग करें, बच्चे इस टेबलेट का प्रयोग ना करें। चलिए अब इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या इस टेबलेट का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों, ऐसे तो नॉर्मली प्री गाबा एम SR75 टेबलेट का नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अगर इस टेबलेट को लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी बदलाव चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय इस टेबलेट को आप बंद कर दें, नजदीकी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रहा है या चक्कर आ रहा है या आपका मुंह सूख रहा है या बहुत ज्यादा भूख आपको लगने लगा है इस टेबलेट को लेने के बाद, सुस्ती महसूस हो रहा है या चक्कर आ रहा है, सर दर्द कर रहा है या पलटी महसूस हो रहा है या पेट दर्द कर रहा है, आपके शरीर में दाने, खुजली या कोई भी सिम्टम अगर आपको लेने के बाद नजर आ रहे हैं तो इस समय टेबलेट को आप बंद करके नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को किसे नहीं लेना है। दोस्तों, जो महिला प्रेग्नेंट है वह भी डॉक्टर के सलाह से इस टेबलेट ले, और जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वह भी डॉक्टर के सलाह से ही इस टेबलेट का प्रयोग करें। दोस्तों, जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वह लोग भी इस टेबलेट का प्रयोग ना करें। अगर इस टेबलेट का उनको प्रयोग करना है तो उतने समय आप ड्राइविंग ना करें।
या आप शराब सिगरेट का कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करें तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग ना करें। दोस्तों ध्यान रहे, मेरे द्वारा जो भी दवा के बारे में बताया जाता है, जानकारी के पर्पज से ही बताया जाता है, ना कि उसे आप अपने से खुद प्रयोग करें। आपको कोई भी दवा लेना है या प्रयोग करना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले, तभी किसी दवा का प्रयोग करें। मेरे द्वारा किसी भी दवा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, जानकारी के पर्पज से ही इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कौन सी दवा किस बीमारी में प्रयोग की जाती, कैसे प्रयोग की जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके पीछे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।